दोस्तों, आज बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना हो, इलेक्ट्रिसिटी आज रोटी कपड़ा मकान जितनी जरूरी हो चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आखिर हुआ कैसे? क्या लोग इसे पुराने जमाने में भगवान मानते थे या कोई जादू? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिजली का आविष्कार या खोज किसने किया और कब किया, और दुनिया को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी नाम का तोहफा कब मिला। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कुछ इन्वेंशंस होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। और हाँ, एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जैसे आग की खोज की गई, बिल्कुल उसी तरह, जैसा कि हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है, ऊर्जा यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के नए नए तरीकों को इन्वेंट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो इसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने इस पर काफी रिसर्च की और उनको यह समझ आ गया कि जादू नहीं, साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया, जिसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांधी और उस धागे में एक चाबी लटका दी और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगे, जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने प्रूव कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह की है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने खोज कर ली। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की थी, और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कॉइल या कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, और चूंकि वोल्टा की ये बैटरीज डीसी करंट जनरेट करती थी, यानी डायरेक्ट करंट, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। चूंकि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला, और टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और जिससे काफी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया, एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करें। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला
और ये एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी और डर के ले जाया जा सकता था। इस तरह से बिजली की खोज और इसे बनाने के तरीकों में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों का योगदान रहा है और उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारी जिंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अब अगर बात की जाए भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई या भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कोलकाता शहर में आई थी और भारत में सबसे पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। इस तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि बिजली की खोज कैसे हुई, आइए जानते हैं आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दो तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है, पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। आइए जानते हैं कि ये क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्सेस, ऐसे सोर्सेस जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है उन्हें प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं, जैसे सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा यानी समुद्र की लहरें। ये ऊर्जा के प्राइमरी साधन हैं, लेकिन इन साधनों से लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, इसीलिए इन सोर्सेस का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है, जबकि भारत में इन्हें बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च हो रहे हैं। सेकेंडरी सोर्सेस, पानी, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। इन सेकेंडरी सोर्सेस का इस्तेमाल करके ही लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। भारत में इन साधनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में बांटा गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बिजली किन किन रिसोर्सेज की मदद से बनाई जाती है। अब आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है, इसलिए जब कहीं पर यह बिजली गिरती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है और जान माल दोनों की हानि होती है, जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली केवल 220 वोल्ट की होती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की मौत हो जाती है। एक सर्वे के हिसाब से बिजली गिरने से मरने वालों में 80% पुरुष जबकि सिर्फ 20% महिलाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही एक रूप है, इसीलिए इसे आविष्कार नहीं एक खोज माना जाता है। बिजली की शुरुआत 18वीं या 19वीं सदी में नहीं बल्कि इसका ताल्लुक कई साल पुराना है। 1930 में हुई आर्कियोलॉजिकल खोज में जो चीजें निकल कर आई है उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। उस खोज के अंदर रोमन जमाने के प्राचीन बैटरीज निकल कर आई। बगदाद में भी इसी तरह की बैटरीज निकल आई। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत पहले से ही बिजली का कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में हमारी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।